एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया विदिशा में, बोले विशुद्ध सकार महाराज जी एक प्रश्न है। मनी पूछो, कर लो, पूछो पूछो, ये जल्दी पूछो। बोले इतने पंचना क्यों कराते? मैंने कहा भैया मैं तो एक भी नहीं कराता हूं विश्वास मां। बोले लोग तुमको लेके तो जाते हैं, वो एक पिछेधारी ने प्रश्न किया। मैंने कहा लोग लेके जाते हैं, इसका उत्तर आप खोजो, क्यों लेके जाते हैं? मित्र मुझे कोई नहीं बुलाता, ये समाज ज्ञानी है, इसको मालूम है, इनको बुलाएंगे जो भी आएगा यहीं रह जाएगा, दूसरे को बुलाएंगे जो आएगा वो चला जाएगा। वो परिणाम ये, एक महात्मा जी ने कहा इतने लोग आपके पास आते हैं तुम दूसरे महाराज पास भेज दिया करो। मैंने कहा मैं ऐसे ही चाहता हूं पर लोग जाने नहीं चाहते, मैं क्या करूं? इसलिए विश्वास रखो, ऐसा जीवन जियो, निर्लिप्त होके जियोगे, निर्लिप्त होके जियोगे तो विश्व में चमकोगे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भोजपुर में मेरे से कहा था विशुद्ध सागर जी जीवन में चमकना चाहते तो स्त्री से और श्री से दूर रहना। मैंने कहा मेरे गुरु जी ने पहले ही मेरे लिए लिख प्रतिज्ञा दिलाई थी, सत्य महाव्रत, अचोरी महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये सारे महाव्रत किसके लिए? सब छोड़ने के बाद भी जोड़ने में लग जाए तो मेरे मित्र महाव्रत को ही जो नहीं संभाल पाया वो दूसरी बातें क्या संभाल पाएगा।